दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई। बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है, समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर। मानिए श्री रमाकांत आचरेकर अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं। कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में। ये बात लोगों को बड़ी परेशान करती है, बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार, कि एवरेज क्षमता का आदमी, अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2% 10+2 90% और ये आदमी जीत रहा है। ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? और ये यही नहीं है कहानी में, ये जीवन में भी है। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में ये देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है, और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है, और 98% लोग इस दुनिया में, 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो ये 98% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया भाग्य, भाग्य के बलि है भैया, भाग्य, भाग्य नहीं है, आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का, भाग्य तो मैं मानता ही नहीं, मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आपको एक ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे जो आए, और आते उन्होंने कहा कि सर हमें IAS IAS नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम पढ़ने आए, हम नाम नहीं लेंगे, एक यूपी कैडर के IAS है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे, और जब हमारा पढ़ने उड़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया, और हुआ क्या, अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए, और पढ़ने में मजा आने लगा, मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। IAS 381 रैंक है IAS में, पहले अटेम्प्ट में 381, दूसरे अटेम्प्ट में 104, मतलब पहला अटेम्प्ट में, ये नहीं कि पहला एक अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में 381, 104। ये है परमात्मा का आशीर्वाद, मेहनत उसने किया है, लेकिन माहौल किसने दिया, संगत किसने दी? मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं, भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए।
मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम दो कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी।